G20 की अध्यक्षता भारत इस समय कर रहा है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो आयोजन है बैठके हैं वो G20 को लेकर इस समय हो रही है। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में भी G20 को लेकर जो बैठक है वो संपन्न हुई है और इसी के साथ ये लगभग दूसरी बैठक थी जो कि G20 के दौरान उत्तराखंड को मेजबानी करने का अवसर मिला है। इस बैठक के अंदर जो मुख्य बिंदु है और हम कह सकते हैं कि पूरी देश और दुनिया में जो चर्चा का विषय आने वाले दिनों के अंदर रह सकता है, ऐसे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। करप्शन को लेकर जो चर्चा है वो नरेंद्र नगर में G20 के दौरान की गई कि करप्शन से प्रभावित दुनिया के तमाम देश हैं और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एंटी करप्शन समूह है उसकी स्थापना होनी चाहिए और ये बात उत्तराखंड के अंदर G20 की बैठक के दौरान जो डेलीगेट्स पहुंचे थे उन सभी की तरफ से इसके द्वारा जो चर्चा है वो भी की गई है। अब देखना यह है कि इतनी महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो G20 के दौरान उत्तराखंड से निकलकर सामने आया है, अब इस बैठक में जो निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्ष पर जो अमल है वो भी आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से किया जाता है। नेटवर्क 10 को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जय हिंद।